really think you should. सो हेलो भाई, कैसे हो सारे? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं आपको पांच ऐसी प्लेसेस दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि एक टाइम में तो भाई फ्री फायर में था, लेकिन अभी जो है इसका कोई नामो निशान नहीं है फ्री फायर में। या तो उस जगह को पूरी तरीके से हटा दिया गया है गेम से, या फिर उस जगह को रिप्लेस कर दिया गया है कोई एक न्यू प्लेस की जगह। तो चलो रेडी हो जाओ, और अगर आप अच्छा खासा एक ओल्ड प्लेयर हो तो आपका यादें यहाँ पर ताज़ा होने वाला है। तो चैनल पे नहीं हो तो भाई लोग सब्सक्राइब ऐसे कर देना, और बेल आइकन आपको मिल जाएगा उसको दबा के यहाँ पर ऑल पे सेट कर देना। तो भाई पांचवें नंबर पे मैं आपको दिखाऊंगा आउटपोस्ट। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोग इसके बारे में सुने होंगे। जहाँ पर अभी ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर सबसे पहले आउटपोस्ट नाम का एक जगह था, जहाँ पर बस दो तंबू था और उस जगह का नाम दे दिया गया था आउटपोस्ट, और इसलिए इस जगह को चेंज कर दिया गया बाद में। और इसका अभी जो नाम है ऑब्जर्वेटरी, इसको जो है लाया गया, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लूट मिलता है। और पहले भाई दो तंबू में आप कैसे लूट कर पाओगे? तो ये जो तंबू है अभी बहुत सी जगह पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पीक में है एक, बीमा शक्ति में एक है, और हर मैप में शायद से ये एक आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगा। और भाई जहाँ तक मुझे याद है आउटपोस्ट जो है वो ऑब्जर्वेटरी से भी थोड़ा सा ऊपर था। ऑब्जर्वेटरी तो अभी भाई थोड़ा सा नीचे है। आपको पता है ये जितना हाइट ऑब्जर्वेटरी का है ना अभी, उससे भी ज़्यादा आउटपोस्ट का हाइट था पहले। और भाई ये जो चेंज था एक तरीके से मैं बोलूँगा कि भाई बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले बस दो तंबू था, और तंबू ऐसा नहीं कि भाई यहीं पड़ी था। मैंने जैसे बताया आपको, अभी भी बहुत सी जगह पर ये तंबू आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा तंबू। तो ये जो चेंजेस था पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि अभी ऑब्जर्वेटरी जो है कितना बड़ा है और अच्छा भी है भाई, देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलो अभी अगले प्लेस के बारे में बात करते हैं, और इसका नाम था भाई रैकेज, और ये था भाई बिल्कुल फैक्ट्री के बगल में। और रैकेज का मतलब भाई साफ साफ होता है कोई टूटा फूटा चीज़। तो यहाँ पर भाई टूटा फूटा एक प्लेन था, जैसे अभी इसकी लॉज की तरफ एक टूटा फूटा प्लेन है ऊपर, आपको पता ही होगा। तो वैसे ही यहाँ पर एक प्लेन था ढलान पर, और वहाँ पर एक छोटा सा टावर था, स्नाइपर टावर, जैसे कि आपको पता ही है स्नाइपर टावर क्या होता है। तो वहाँ पर नीचे एक था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और भाई पीछे की तरफ दो एल शेप का घर था समुद्र के किनारे पर। और एल शेप का घर आपको पता ही है कैसा होता है, रेड कलर का होता है, और अभी भी है भाई बहुत सी बरमूडा के प्लेस में। और अभी तो भाई यहाँ पर आपको इस जगह का कोई नाम और निशान नहीं मिलेगा, और इस जगह का अभी नाम ही नहीं है, शायद से अभी ये फैक्ट्री के एरिया में पड़ता है। तो आप कमेंट करके बताना कि ये प्लेस पहले अच्छा था या फिर अभी ये अच्छा आपको लग रहा है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के नंबर वन गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है रूटर। यहाँ पर बहुत सारे लाइव स्ट्रीम चलता है, जिसको देख के आप यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स अर्न कर सकते हो, और यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स लाइव करते हैं और लाइव में कस्टम खिलाता है। तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप जीतते हो तो आपको बहुत सारे डायमंड्स एंड डीजे आलोक फ्री में मिलेगा। और यहाँ पर डेली गिवअवेज भी चलता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारे डायमंड्स एंड डीजे आलोक आप फ्री में ले सकते हो। और यहाँ पर डेली टास्क भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कंप्लीट करके बहुत सारे कॉइन्स कमा सकते हो, और उस कॉइन से आप यहाँ पर पेटीएम कैश रिडीम कर सकते हो, या फिर आप फ्री फायर का डायमंड्स या फिर डीजे आलोक आप ले सकते हो सीधे अपने फ्री फायर के अकाउंट में। तो जो भी बंदे कमेंट करते हो भाई डीजे आलोक दे दो, तो भाई उससे अच्छा आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और आपको यहाँ पर डीजे आलोक फ्री में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से अगर आप अभी डाउनलोड करते हो तो आपको 300 कॉइन्स यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ और रूटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। तो चलो अभी नेक्स्ट प्लेस के बारे में बात करते हैं, और इसका नाम है भाई रिमनाम विलेज। बरमूडा वाला रिमनाम विलेज नहीं भाई, फर्गेटरी का रिमनाम विलेज। और यहाँ पर भाई बहुत बड़ा ये प्लेस था, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पर जो प्लेस है भाई वो सेंट्रल के बिल्कुल पीछे था, और ये जो प्लेस था भाई बहुत ज़्यादा बड़ा था। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब जगह जो है सटा हुआ था, कुछ प्लेस जो यहाँ पर था, कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर था, कुछ बिल्डिंग्स थोड़ी दूर पर था, ऐसा था। और भाई छोटे बड़े बहुत सारे हिल्स था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये मैप, ये जगह खास करके। और ये जो मैप था भाई बहुत बड़ा था, पहले आपको पता ही मैंने बहुत बार आपको बोला है। और ये जो खास करके ये जो प्लेस है यहाँ पर भाई जापानी से चाइनीज जैसे कुछ अजीब तरीके की बिल्डिंग्स था भाई, मुझे आज भी याद है। और ये जो बिल्डिंग्स था भाई मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि अभी तो भाई ये ऐसे बिल्डिंग्स आपको मैप में किसी भी मैप में भाई कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा बिल्डिंग्स। और अभी तो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गायब कर देगा इस प्लेस को, और यहाँ पर बस पानी पानी है आप देख ही सकते हो। और इसका छोटा करने का कारण यही था, मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गड़ीना को बहुत ज़्यादा जो हेट आने लगा कि ये मैप जो है बहुत बड़ा है, इसको छोटा करो छोटा करो, 50 प्लेयर से एक मैप है, तो इतना बड़ा मैप लेकर हम लोग क्या करें, तो इसलिए छोटा कर दिया गया था। और आपको पता ही जब कोई मैप छोटा होता है तो जो साइड का एरिया रहता है वो ज़्यादा क्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो साइड का एरिया है, और साइड के एरिया में ये भी पड़ता था, तो इसको भी क्रॉप कर दिया गड़ीनारों ने, और ये गेम से हट गया पूरी तरीके से। बस अब यहाँ पर एक छोटा सा हिल है, वो भी पीछे से कटा हुआ आप देख ही सकते हो यहाँ पर। तो ये जो प्लेस था भाई दिल के करीब था, दिल से बुरा लगता है भाई अभी, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ, और इसका नाम था भाई एयरपोर्ट। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या क्या था,
तो यहाँ पर भाई बहुत सारे प्लेन्स था जो कि एक समुंदर के किनारे पे एक एयरपोर्ट था, और जैसे कि आपको पता ही होगा यहाँ पर रनवे भी था, जैसे कि आपको हैंगर में भी दिख जाएगा, और हैंगर में एक आपको टावर दिखेगा येलो कलर का जो यहाँ पर भी था, और यहाँ पर कुछ छोटे बड़े कार्स था जो हैंगर में भी आपको दिखेगा, तो ऐसा ही कुछ कार्स था, और यहाँ पर एक छोटा सा घर भी था, और ऊपर की तरफ जो अभी आप सड़क देख रहे हो जहाँ पर अभी पत्थर पड़ा हुआ है, तो भाई वहाँ पर पहले गोल सड़क था, मतलब पूरा घूमता था सड़क, और मैप को छोटा करने के लिए भाई इस प्लेस को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और जो सड़क है उसको अभी बंद कर दिया गया है, वहाँ पर एक पत्थर रख दिया गया है, बस हो गया सड़क बंद। तो भाई क्या ही बोले, और भाई जो प्लेस है इसका अभी कोई नामोनिशान नहीं है, अभी देख ही सकते हो यहाँ पर बस पानी ही पानी है, और वहाँ पर भाई एक अंडरग्राउंड टनल था जो कि एकदम मिट्टी के नीचे से निकलता था, अभी भी है एक, लेकिन वहाँ पर एक थोड़ा आगे जाके एक और टनल था जो कि एकदम मिट्टी के नीचे से निकलता था, भाई बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन तो चलो अभी बात करते हैं लास्ट प्लेस के बारे में जिसका नाम है भाई क्वारी, और भाई अभी भी है ये प्लेस, लेकिन यहाँ पर जो एक प्लेस था जो अंडरग्राउंड था भाई वो अभी नहीं है, और भाई ये जो प्लेस था भाई बहुत बढ़िया था और बहुत बड़ा भी था। तो भाई यहाँ पर मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैं फर्स्ट टाइम इसके अंदर गया था तो मैं कूद के गया था, और भाई मुझे वापस ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं नीचे गया था एकदम पूरा नीचे, तो उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था कि कैसे ऊपर आए, तो उसके बाद दो चार मैच खेलते खेलते मुझे पता चल गया कि कहाँ से ऊपर जाना है, कहाँ से नीचे आना है, कहाँ पर लूट मिलेगा, तो सब कुछ पता चल गया धीरे धीरे, लेकिन भाई अभी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी बस वहाँ पर कुछ मिट्टी पर आए और कुछ उबर खबर जगह है, बस हो गया भाई। तो ये था भाई पांच प्लेसेस जो एक टाइम में तो भाई फ्री फायर में था लेकिन अभी नहीं है, तो यहाँ पर कमेंट करके ऐसे बताना कि आपको इन पांच प्लेसेस में कौन सा वाला बेस्ट लगा है या फिर कौन सा वाला आप मिस कर रहे हो, तो ये कमेंट करके ऐसे बताना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, आई होप इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ मजा किया होगा। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. I gotta get out of here tonight. Yeah, I wanna run off and float, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home.